नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां आज जिला अस्पताल में सबसे खराब हालत आइसोलेशन वार्ड की मिली। आपको बता दें कि इस वार्ड में संक्रमित मरीज होते हैं, लेकिन इसमें एक अधिविक्षिप्त लावारिस व्यक्ति भी बिना कपड़ों से काफी दिनों से पड़ा मिला। उसके शरीर से बदबू आ रही थी और उसकी वजह से पूरा वार्ड बदबू से भरा हुआ था। उसने भर्ती मरीज व उसके तीमारदार इसको लेकर परेशान थे। वार्ड में अपने परिजन को लेकर भर्ती शहर निवासी राहुल मिश्रा ने बताया कि कई बार सीएमएस से इस विक्षिप्त व्यक्ति को यहां से हटाने की मांग की गई, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये एक पल भी यहां रहना दुश्वार हो गया है। लगता है कि हम लोग खुद बीमार हो जाएंगे। एक अन्य मरीज ने बताया कि उक्त विक्षिप्त वार्ड में ही मूल मंत्र करता है, जिससे यहाँ से भाग जाने को जी करता है, लेकिन मजबूरी में किसी तरह पड़े हुए हैं। अगर यही हालत रही तो इस वार्ड में कोई नहीं आएगा। समाज सेवी वीरेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि हम लोग लावारिस लोगों को अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराते हैं, ऐसे में रोज ही आना जाना होता है। इस विक्षिप्त की हरकतों के चलते कई मरीज वार्ड छोड़कर निकल गए तो कई ने यहाँ भर्ती होने से इनकार कर दिया। इसके बाद भी अस्पताल प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा। सर, ये पहले तो ये आइसोलेशन वार्ड है। आइसोलेशन वार्ड में गंभीर रूप से बीमार जैसे एचआईवी पेशेंट, टीबी पेशेंट के लिए ये वार्ड होता है, जिसमें इसमें लवारिस भी रखे गए हैं। तीन लोग रखे गए थे, जिसमें कल एक बनार चले गए, घर का पता चल गया। एक लड़का है जो पूर्ण रूप से पूरा नंगा रहता है और वार्ड में घूम घूम के हर जगह गंदगी कर देता है, और कभी भी कोई बड़ी घटना वो कर सकता है। मेंटल भी है, पूरा मेंटल डिस्टर्ब है। मैंने इसकी कई बार सीएमए साहब से या सीएमओ साहब से शिकायत मौखिक की, पर उन लोगों ने इस पर कोई मतलब जवाब नहीं दिया, कोई मतलब कार्रवाई नहीं की। सीएमए साहब पूर्ण रूप से मतलब वाकिफ है सारी समस्या से। तो क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? बस देखते हैं करते हैं, लेकिन कोई इसका निस्तारण नहीं हुआ। मैंने उन सीएमओ साहब से मैंने कहा कि चाहे तो लवारिसों के लिए अलग वार्ड कर दीजिए, चाहे इन लोगों का वार्ड अलग कर दीजिए। डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। ज्ञापन में क्या देंगे, क्या मांगे करेंगे आप? यही सब समस्या कि मतलब जिला अस्पताल गाजीपुर में आइसोलेशन वार्ड में जो गंभीर रूप से बीमारी से एचआईवी पेशेंट, टीबी पेशेंट का वार्ड है, आइसोलेशन वार्ड जिसमें लवारिसों के साथ साथ टीबी पेशेंट भी रखे गए हैं, जिसमें वो तो खुद गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, फिर भी उसमें इन्फेक्शन होने का डर है, कि अलग वार्ड इन लोगों के लिए अलग कर दिया जाए, चाहे आइसोलेशन वार्ड अलग कर दिया जाए, चाहे ये लवारिसों के लिए अलग वार्ड कर दिया जाए। हमारे सहयोगी विपुल मिश्रा के पिताजी थे, टीबी के मरीज हैं, उनको लेकर मैं इस वार्ड में आया था। ये आइसोलेशन वार्ड, आइसोलेशन वार्ड में लेकर आया, तो यहाँ पे पागल गंदे लोग सब लोग इसी में रखे हुए हैं, जिनका यहाँ रहना मुश्किल हो गया था वो सोच कर देते हैं। तो हमने सीएमएस साहब से बात किया, हमने कहा साहब यहाँ मरीज कैसे रहे, पागल रहेगा और उसके साथ मरीज कैसे रहेगा? तो उन्होंने तत्काल व्यवस्था कराई, तत्काल सीएमएस साहब ने व्यवस्था कराया, उसको हटा दिए हैं। वो लास्ट 7 नंबर पे वो था। आज उनको टेलीफोन से हमने उनको आज बताया कि इस वार्ड में बहुत ज़्यादा बदबू है, पागल टाइप के लोग भी रहते हैं, इनके लिए अलग से आप, अगर नहीं कोई है इनका लवारिस है तो इनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की जाए। बहुत ही चिंता का विषय है कि हम मरीज के साथ पागल के साथ यहाँ पे वो शौच कर दे रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम कितनी बदबू आ रही है, आप लोग सामने देखें, इसमें मरीज के मानसिक रूप से वो विक्षिप्त है, उसको रखा गया उसी वार्ड में, और हमारी व्यवस्था है, चूँकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है इसलिए जहाँ तहाँ टट्टी उट्टी कर दे रहा है, और हम लोगों ने अप्लाई किया सीजीएम साहब के यहाँ, एप्लीकेशन दी गई है 3 दिन पहले, वो बिना आदेश उनके आदेश की ज़रूरत है मानसिक चिकित्सालय में भेजने के लिए, तो वो आजकल में हो जाएगा आदेश, उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। नहीं, उसकी व्यवस्था यहाँ नहीं है, और वार्ड में ही जो हमारे पास व्यवस्था है उसी में रखा जाना है, अलग से तो कोई मानसिक चिकित्सालय टाइप का नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन उसकी प्रोसेस में है, वो मना का कच खुलना है, लेकिन जब तक कि उसका स्टाफ ना आ जाए, इसमें प्रोसेस सरकार की एक है कि मानसिक रूप से पीड़ित मरीजों को भी यहाँ इलाज हो, तो उसकी है कि एक वार्ड बनाया जाए, और अगर चिकित्सक आ जा रहे हैं उसमें सरकार प्रयासरत है, उसके स्टाफ भी प्रयासरत है, उससे संबंधित जो है बजट का भी प्रावधान हो गया है, तो ये जल्द से जल्द जो है ये भी स्थापित होना है। अगर मानव
आ जाए लोग, मतलब उससे संबंधित जो चिकित्सक और कर्मचारी, तो वो भी शुरू हो जाए। गाजीपुर से एएस न्यूज़ के लिए आरिफ फारसी की रिपोर्ट।